नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया के फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल बिजनेस चैनल में। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा, एस्ट्रो मनी गुरु। में आज कुछ खास बातें करेंगे जीरे की उपज और रकवा में होने वाली कमियों के बारे में। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज 4 मई का दिन है और मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रही हूँ। जी हाँ, इस साल ज़्यादा बरसात के चलते जीरे की उपज में भारी असर देखने को मिला है। ज़्यादा बरसात के चलते और बुवाई में कमी आने की वजह से, इस सब की वजह से फसल को नुकसान होने से जीरा में कीमतें, यानी जीरे की कीमतें और फसल साल 2021-2022 में 30-35% तक बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उपज में कमी आने से जीरे के भाव 165-170 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकते हैं। 2021-2022 में, यानी कि नवंबर से मई के बीच, जीरे की उपज में काफ़ी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गुजरात में 22% और राजस्थान में 20% गिरावट जीरे के रकवा में देखी गई है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रबी सत्र 2021-2022 में जीरे की कीमतें 30-35% बढ़कर 165-170 रुपये प्रति किलोग्राम को छू सकती हैं। इसके मुताबिक रबी सत्र 2021-2022 के दौरान जीरे का रकवा भी साल दर साल अनुमानित रूप से 21% कम होकर 9.83 लाख हेक्टेयर रह गया। जीरे की उत्पादकता के दो राज्यों, प्रमुख राज्यों में से गुजरात में सी खेती के रकबे में 22% और राजस्थान में 20% की गिरावट आई है। वहीं इस साल किसानों ने सरसों की अधिक बुवाई की और जीरे की बहुत कम। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल किसानों ने सरसों और चने की फसल की उपज पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है और इसी वजह से रकबे में गिरावट की वजह बनी रही है। तो ये थी आज की कुछ खास बातें। बने रहिए एस्ट्रो मनी ग्रुप के साथ, और भी हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों से अवगत करवाएंगे। नमस्कार।